हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। सो आज मैं हूँ ओसाका के अंदर, जो कि जापान का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है। सो आई विल बी एक्सप्लोरिंग अ लॉट इन ओसाका। सो इट इज़ वन ऑफ द मेन एरिया इन कांसाई रीजन, और ओसाका बहुत ही फेमस है बिकॉज यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ श्राइन्स, टेम्पल्स। ओसाका कैसल बहुत फेमस है। उसके अलावा ओसाका की नाइट लाइफ बहुत अच्छी है। यहाँ पे एक एरिया है दोतोनबोरी विच इज़ वेरी फेमस अमंगस्ट फॉरनर्स, सो आई विल बी गोइंग टू दैट एरिया एज वेल टूडे। उसके अलावा ओसाका को जापान का किचन भी बोला जाता है, बिकॉज यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ स्ट्रीट फूड इन ओसाका, जिसके अंदर ओकोनोमियाकी और ताकोयाकी बहुत ही फेमस है, और खुशी कत्सु, सो इट्स वेरी फेमस। और ताकोयाकी बेसिकली जो ऑक्टोपस की बॉल्स होती है उसको ताकोयाकी बोलते हैं, और बहुत ही फेमस है, जापानीज पीपल लाइक इट अ लॉट। उसके बाद ओकोनोमियाकी है, जो कि एक पैन केक है, इट्स फिल्ड विद कैबेज और बहुत सारा मीट इसके अंदर होता है। सो दीज डिशेज़ आर वेरी फेमस इन ओसाका। सो जैसा कि मैंने कहा, ओसाका को जापान्स किचन भी बोला जाता है, बिकॉज यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ स्ट्रीट फूड इन ओसाका एंड इट्स रियली चीप कम्पेयर टू टोक्यो। सो आई विल बी एक्सप्लोरिंग द स्ट्रीट्स टुडे, सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर द स्ट्रीट्स ऑफ ओसाका। लेट मी शो यू द लाइव परफॉर्मेंस। तो जैसा कि मैंने कहा, ओसाका को जापान का किचन बोला जाता है, बिकॉज यहाँ का खाना बहुत ही फेमस है, जिसके अंदर ताकोयाकी और ओकोनोमियाकी जो मैंने बताया आपको। सो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ बार्स एंड रेस्टोरेंट्स इन ओसाका एंड इट्स कंपैरेटिवली चीपर कंपेयर टू टोक्यो। सो दिस वन इज़ याकिनिकू, जो इंडिया के अंदर बारबेक्यू नेशन है, सो दिस इज़ द सेम कॉन्सेप्ट। सो देयर आर सो मेनी बार्स एंड रेस्टोरेंट्स एंड इज़ाकाया। इज़ाकाया इज बेसिकली जापानीज स्टाइल बार, सो बहुत सारे इज़ाकाया यहाँ पे मिलेंगे आपको। द स्ट्रीट इज क्वाइट फ्लैशी, बहुत ही वाइब्रेंट सी फीलिंग आ रही है मेरे को। There's so many people around.
आज संडे इसलिए भी रश ज़्यादा है, बट दिस स्ट्रीट लुक्स वेरी गुड। जापान के रेस्टोरेंट्स की आपको खास बात दिखाता हूँ, अगर आप यहाँ पे देखेंगे। सो दिस इज़ अ टिपिकल जापानीज रेस्टोरेंट। सो जो भी मेन्यू है इन्होंने रेस्टोरेंट के बाहर ही सेट कर रखा है, ताकि आपको मेन्यू चूज़ करने के अंदर कोई परेशानी ना हो। सो यू कैन चूज़ द मेन्यू फ्रॉम आउटसाइड। सो दिस थिंग इज़ रियली कूल, बिकॉज आपको रेस्टोरेंट के अंदर भी नहीं जाना पड़ेगा और यू कैन डिसाइड योर फूड आउटसाइड कि आपको जो भी खाना है, एंड इट विल रियली सेव योर टाइम। सो कई बार ऐसा होता है कि हम रेस्टोरेंट्स के अंदर जाते हैं और हमें खाना पसंद नहीं आता है, बट यहाँ का सिस्टम बहुत ही अलग है। सो फाइनली आई हैव रीच्ड द वेरी फेमस एरिया ऑफ ओसाका, जो कि है दोतोंबोरी। नाइट लाइफ के लिए बहुत ही फेमस है दोतोंबोरी। सो अगर अपना कैमरा घुमाऊं, सो यू कैन सी लॉट ऑफ रेस्टोरेंट्स एंड बार्स। दोतोंबोरी कितना फेमस है ये आपको देखते ही पता लगेगा, बिकॉज आप देख सकते हैं कितने लोग आ रखे हैं यहाँ पे। इतनी जनता देख के आपको नहीं लगेगा दैट वी आर लिविंग इन अ पेंडेमिक, सो मैनी पीपल। इतने बंदे मैंने आई मीन जापान में देखे, बट ओनली ड्यूरिंग न्यू ईयर। नॉर्मल डेज के अंदर मैंने इतने बंदे कहीं पर नहीं देखे जापान के अंदर। सो इट्स रियली क्राउडेड, इट्स रियली क्रेजी। सो ये जो आप साइन बोर्ड देख रहे हो ग्लिको, इट्स वेरी फेमस। ओसाका का बहुत ही फेमस स्पॉट है, और जितने भी लोग ओसाका आते हैं वो डेफिनेटली यहाँ पे फोटो क्लिक करवाते हैं। सो अगर आप ओसाका आते हैं, देन यू शुड डेफिनेटली टेक अ पिक्चर विद दिस ग्लिको मैन बिहाइंड यू, बिकॉज आपकी ओसाका की ट्रिप अधूरी रहेगी इफ यू डोंट टेक अ पिक्चर विद दिस ग्लिको मैन। आपको दिखाते हैं लाइव परफॉर्मेंस।